जंगल रे शीत दिन चली थाए आउ मिकी चढ़ई को बहुत ठंडा हो जाए थाए से ता बिछणारु न उठी सोई रही थाए। माँ मिकी तू आज कौन स्कूल जीवुनि कि तू इत्ते समय जाके सोईचु काहीकि? नाई माँ मते बहुत जोरे ठंडा हो जाए मु आज स्कूल जीवनि। मिकी चढ़ई भली जंगल अन्य चढ़ई मानकर अवस्था भी एमती थिला। सत कथा तो है छुआ चढ़े मैंने रानू मैडम डर रे स्कूल जीवाक चाहू नथिले। दुई दिन पूर्वर ही रानू मैडम नुआ करी तांको स्कूल को आसीथिले। सब छुआ चढ़े मैंने भावुथिले कि रानू मैडम भी बहुत भल होइथिबे हेले से मानंकर आशा पानी पुटका भली फाटी गला। आरे छुआ मैंने तुम्हें मैंने सब पाठ करके आनीच ना नहीं मुझे समस्त खाता देखी आहार भी भूल बाहर मुझे दंड देवी एमती कही रानू मैडम सब चढ़े छुआ मान खाता देखती। बबलू आउ मिकी तुम दुईज को दंड दिहब हेले कहीं मैडम मुझे स्कूल रब पाठ कर तुम्हें पाठ कले कौन हे या भितर तो भूल अच्छी तुम्हें दुईज एठा को आस। मिकी आउ बबलू भाविले कि बाकी सारंक भली रानू मैडम भी तांको बाड़ेबे नहले चौकी बसेई देबे। हेले रानू मैडम को मुंडरे तो किछि अलग कथा चालू थिला। से बाहर को जाई किछि बरफ आनिले आउ तांको देहरे रखी देले। एते ठंडा रे बरफ तांको अधिक जंत्रणा देउथिला। मैडम हम ऊपर बरफ काढ़ी दिंतु आमको बहुत कष्ट लगुचे। हाँ मैडम आम आउ जम्मा भूल करिबुनी आपण आम ऊपर बरफ काढ़ी दिंतु। ना ना तुम ऊपर तो बरफ जम्मा भी कढ़ा हेबनी आउ हाँ घरे जदि एक कथा किए कही ताकू अधिक दंड मिलब। रानू मैडम ठारु एमिति कथा शुणी सबु छुआ चढ़ई माने डरी गले। मिकी आउ बबलू मन दुख कर घर को चली आसिले। हेले माँ मिकी तते इत्ते जोरे थंडा केमिति हेला काली जाके तो सब ठीक थिला आज सका एत जोरे थंडा केमिति होइगला। मिकी चढ़ई सब कथा ता माँ को कहब बोली भावुला हेले सेतिक बेले ताकू रानू मैडम कथा मन पड़गला से बहुत डरी गला। ना माँ बाहर एबे बरफ वर्षा होती मत अधिक थंडा हो जाए हाँ माँ मो देह टिके भल लगला मुझे स्कूल जाऊँची। किछि समय भितरे सब छुआ चढ़ई माने स्कूल रे पहुंची जाई थांदे। आउ किछि समय परे रानू मैडम आसीबे आउ से निश्चय आमको बिना कारण रे किछि ना किछि दंड देबे। मते तो ए कथा भाभी बहुत डर लगुचे आमे आज कौन करिबा। किछि समय परे रानू मैडम चली आसीले। छुआ माने मोर आज पाठ पढ़ेबा को जम्मा भी इच्छा नाही मुझे टिके आराम करी। जहा हे आज मैडम पाठ पढ़ेबेनि जदि से आमको पाठ पढ़ेबेनि आमर किछि भूल हेबनि कि आमको दंड भी मिलिबनि। हेले रानू मैडम को तो छुआ मानको मारिबारे मजा लगुथिला। अरे तुम्हें माने समस्ते निज निज खाइबा टिफिन लेकि आसीचे तो समस्ते टिफिन आनी एटी रख जहाँ खाइबा मते भल लागिब से भल आउ जहाँ खाइबा मते भल लागिबनी ताकू आज दंड मिलिब। ए कथा शुणी सब छुआ चढ़ई मानकर हो सुड़ीगला। प्रथमे मीनू चढ़ई टिफिन लेकि आसे से ता टिफिन रे पूरी तरकारी आउ उपमा रखी थाए। अरे बा पूरी तरकारी आ उपमा बहुत भल तू भल पिला एमती कही रानू मैडम सबुतक पूरी तरकारी खाई दिंती। अरे बा मेनू तो टिफिन तो पूरा स्वादिष्ट है तू प्रतिदिन एमतीया खाइबा नहीं कि स्कूल आसबू तू एबे जाए क्लास रे बस। तापर मिकी चढ़ई ता टिफिन नहींक आसे। मिकी चढ़ई ता टिफिन रे चूड़ा संतुला नहींक आसी थाए। चूड़ा संतुला को देखी रानू काउता मुह को फुलाई दिए। छी छी चूड़ा संतुला एगुड़ाक कहीं आसीचु एगुड़ा कौन सब खाइबा जिनस। मिकी चढ़ई बुझी जाए कि रानू मैडम को चूड़ा संतुला भल लगे से एबे बहुत डरी जाए थाए। से बुझी जाए थाए कि ताकू आज दंड मिलिब से बहुत डरी डरी कहे मैडम चूड़ा संतुला मते भल लगे खाइबा को आउ मो देह भल नाही बोली माँ मते चूड़ा संतुला करिकी देइची। से कथा मु जानिनी हेले मते चूड़ा संतुला जम्मा भल लगेनी
ତତେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ପୁରୀ ନେଇକି ଆସିବି। ହେଲେ ରାନୁକା ଆଉ ମିକି ଚଢ଼େଇର କଥାକୁ କିଛି ଶୁଣେନି। ସେ ବାହାରୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଆସେ ଆଉ ତାକୁ କ୍ଲାସରେ ରଖିଦିଏ। ମିକି, ତୁ ଏବେ ଏଇ ବରଫ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋ। ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ବରଫକୁ ଦେଖି ମିକି ଆହୁରି ଡରିଯାଏ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବିନି, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ହେଲେ ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମ ମିକିର କିଛି ବି କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି ଆଉ ମିକିକୁ ସେ ବରଫ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ଖୋଲି ଖାଆନ୍ତି। ଯାହାର ଖାଇବା ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେ ତାକୁ ବରଫ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ। ମିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ବରଫ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମିକି ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଆଗରୁ ଖରାପ ଥାଏ, ସେ ବରଫରେ ଏତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦିଏ ଆଉ ସିଏ ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମାରେ, ତୋ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ତୁ ତ ସକାଳୁ କହୁଥିଲୁ କି ତୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି। ହେଲେ ମିକି ଚଢ଼େଇ ଡରରେ କିଛି ବି କହିପାରୁ ନଥାଏ କି ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ମା, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ଘୁରାଇ ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ସବୁ ମୋର ଭୁଲ, ମୁଁ ତତେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ନ ପଠେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତୁ କାଲି ଜମା ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇନି ତୁ ଘରେ ରହି ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ। ମା ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମିକି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା କି ତାକୁ କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପରଦିନ ମିକି ଚଢ଼େଇ ତା ସାଙ୍ଗ ସହ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥାଏ। ମିକି, ମୋତେ ସ୍କୁଲ ନା ଶୁଣି ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ସ୍କୁଲ ବାହାନାରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ବିନା କାରଣରେ ଆମକୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ସତ କଥା, ଆଉ ଏ କଥା ଘରେ କହିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଆମ କଥା ତ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେମାନେ ଓଲଟି ଭାବିବେ କି ଆମେମାନେ ପାଠ ଡରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରୁଛେ। ସେଇ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍କୁଲଟା କେଉଁଠି? ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧା ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ସେ ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମ ଭଳି ନୁହନ୍ତି ତ? ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ରାନୁ, ଆଉ କିଏ ରାନୁ ଅଛନ୍ତି କି ତୁମ ସ୍କୁଲରେ? ତାପରେ ମିକି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଚଢ଼େଇଟୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋର ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ହେଲେ ମୋର ଆସିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଡେରିରେ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମ ନକଲି ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅସଲି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ବି ଅଛି। ତାପରେ ମିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ନୂଆ ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଏପଟରେ ରାଜୁ ସବୁ କଥା ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ନୂଆ ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖି ନକଲି ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ତ କାଳିକାଉ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଇଏ ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି କାଳିକାଉ। ଆଗରୁ ଇଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବିନା କାରଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ବି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ହଁ, ତାକୁ ତ ଚାକିରିରୁ ବାହାର ବି କରିଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ହୁଏତ ମୋ ଡେରିରେ ଆସିବାର ଖବର କେମିତି ଜାଣିଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସି ମୋ ଜାଗା ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ନକଲି ରାନୁ ସେଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମାରନ୍ତି। କିଛି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇମାନେ କିଛି ବରଫ ଆଣି ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନକଲି ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଖସି ଚାଲିଯାଏ। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇମାନେ
नुआ शिक्षयत्री सह बहुत खुशी रे पाठ पढ़ती। सांग माने आजर प्रश्न, मिक्की चढ़े टिफिन रे कौन खाइबा को आनी थिला? ए चूड़ा संतुला, बी उपमा, सी पूरी, डी परटा। उत्तर कमेंट रे दियंतु। टिक्की तू आउ जिद्दी करेनी, तू ए दाना को खाइने। एबे त शीत दिन चली, आउ शीत दिन रे आंब कोठु आसीबो? मु किछि जानेनी, मु जमा भी खाइबिनी। सबुदिन से दाना खाई खाई मते बोर लागिलानी, मु त एबे आंब खाइबी। टिक्की चढ़े रे दुई छिया मिक्की आउ चिक्की को नहीं तार छोट परिवार। मिक्की थाए बड़ आउ चिक्की थाए सान। जंगल रे बे शीत दिन चली थाए, मझिरे मझिरे बरफ भी पड़ थाए। हेले टिक्की रा झिया चिक्की को आंब खाइबा को इच्छा थाए, सेथिपाई सी रोसी थाए। आसंतु देखिबा आगो को कौन होउची। चिक्की एबे शीत दिन चली, आंब कोठु आसीबो? मिक्की ठीक कहउची, खरा दिन होइथिले सिना मु तो पाई आंब नै आसी थांती, तू ए दाना खाइने। हेले चिक्की जम्मा भी कहारी कथा सुनु न थाए। टिक्की चढ़ेर घर पाख को थाए दानु काऊर घर। आउ आपण माने त जानिचंती कि रानु काऊर स्वभाव केमिति। रानु आउ सानु दुई जन ए कथा सब सुनु थांती। सानु आज ए टिक्की रा घरे एते पार्टी काहेकी होउचि बा? कौन हेचि कि तंकर? तुमे जानिन कि रानु, दुई दिन हेबो टिक्की रा झियो चिक्की आंब खाइबा को जिद्दी धरिचि। मिक्की आउ टिक्की ताको बुझौचंती, हेले चिक्की जम्मा भी मानिबा को नाराज। सानु मो पाखरे गोटे भल उपाय अछि, आमे ए चढ़ेर खाइबा आराम रे खाई परिबा। तुमे रुह, मु एबे संगे संगे आसुची। एमिति कहि रानु काउ टिक्की चढ़े घर को चली जाए। चढ़ेई कौन हे चिक्की? मु से दूर रे थिली, मते चिक्की रो कांदिबार शब्द सुभा गला, सेथि पाए मु एठा को चली आसिली। रानु भौणी देखना घर तो सब खाइबा अछि, हेले चिक्की आंब खाइबा पई जिद धरिचि। एबे तुमे ताकु टिके बुझाओ ए शीत दिन रे मु आंब कोठु आनिबी? आरे ए छोट कथा, सानु कर मामु शीत दिन आंब चाष करंती, से त आम पई भी आंब देथिले, हेले आमे त सब खाइ देइचु। सतरे आंटी मामुंका खेतरे आंब होउचि? हाँ चिक्की, भारी स्वादिया आंब, आम जंगल रे भी एमिति का आंब मिलिबनी। रानु भौणी जदि एमिति कथा तेबे तुम्हें सुन, तुम्हें मामुं को कहि मो झियो चिक्की पई किछि आंब नै आस, से कालीठारु बहुत जिद्दी करुचि। टिक्की मु आंब मगे दियंती जे, हेले एबे त देखुचु दु हाड़ भंगा शीत पड़ी, मामु जिबा आसिबा करि परिबेनी। मु सानु को कहिबी से नै आसिबे। हेले हेले कोन रानु भौणी, कौन कथा मते खोली के कुह। चढ़ेई तू तो जानिचु मामु को जंगल केते दूर, जिबा आसिबेरे तो गोटी दिन बीति जिबो। हेले तू जदि तो खाइबारो मते किछि देबु तेबे सानु खुशी होई आंब आणिबा को चली जिबे। तापरे टिक्की चढ़ेई किछि दाना आनी रानु काउ को देई दिए। रानु भौणी तुमे ए दाना नै जाओ, आउ सानु भाई को कहि देबो कि मु काली आंब नेबा को जिबे। रानु काउ से सब खाइबानी ता घर को चली आसे, से माने खुशी होई चढ़ेई रा दाना खाई दियंती। रानु से पागल चढ़ेई केते बोकिना, किछि भी कहिले से आखि बंद करि विश्वास करि नेउची। हाँ सानु आमर सेठु कौन जाए आसे, कम से कम एई बहाना रे एई शीतरे आमको आउ खाद्य खोजिबा को पड़िबनी। से दुष्ट काउ दुई जण एमिति कथा हुवंती। परदिन टिक्की चढ़ेई सानु काउ घर को चली आसे। सानु भाई तुमे तुम मामुंक घर को जाईथिलो ना आंब आणिबा को, कौन से मो चिक्की पाई आंब देले? चढ़ेई मु जाई थांदी, हेले हठात काली रातिरे मो देह खराब होइगला, सेथिपाई मु जाई परिलिनी। हेले काली मु निश्चय जिबी, तुमे चिक्की को कहि देबो काली तकु तांबो निश्चय मिलि जिबो। हां परे टिक्की सानु देह खराब चकु से खाइबा खोजिबा को भी जाई परु नाही, तू किछि दाना दे जिबु से काली आंबो आनिबा को निश्चय जिबे। हौ रानु भौनी मु तुम पाए किछि दाना नै आसुची। एमिति कहि टिक्की चढ़ेई त घर को चली गला।
चिक्की ता माँ को चाहे बसी थाए। माँ तुम्हें आंब आनी लना कहीं मो आंब जल्दी मत आंब दि। चिक्की सानु भाई को देह हठात खराब हो गला से जाई पारे आउसे काले निश्चय आंब नहीं आसबे। तू आज दाना खाइने। माँ तुम्हें ए दाना कहा पाई नहीं जाऊच तुम्हें तो से मानू काली दाना दे दे थिलो। मिकी मु ए दाना सानु आउ रानु काऊ पाई नहीं की जाऊची। माँ तुम्हें कौन जाने पारू न ये सबू तांकर चाल तुम ठारू खाइबा नहीं खाइबार से मानकर अभ्यास हो गलानी से चिक्की जिद्र फायदा उठाउचंती। मु जानिची मिकी हेले से माने मते कथा देइचंती कि काली आंब निश्चय नहीं की आसबे जदि एथर भी से आंब न आणती तेबे मु तांकू ठीक बुद्धि सिखेबी। टिक्की चढ़े दाना नहीं दानु काउ घरे दे आसे। दानु आउ सानु खुशी मनरे से दाना को खाई नियंती। चढ़े तू जमा भी चिंता करनी काली निश्चय तते आंब मिली जिबो। एमिति राति पाही सुंदर सकाळ होई जाए। चिक्की रा मन भारी खुशी थाए कि से आज मीठा मीठा आंब खाइबो। मां तुम्हें जल्दी जाओ ना आ सानु अंकल को घरु आंब नेकि आस मते आंब खाइबा को भारी इच्छा आलाणी। एपटरे सानु आ रानु काउ टिक्की ठारु बंचेबार उपाय भाबु थांती। रानु टिक्की तो एबे आसुथिबो काले तो ताको देह खराब रा बहाना करी आमे माने रही गले हेले आज तक आमे कौन कहिबा। आरे सी आसु तो तुम एते डरुच काई कि मु जेबे तार सब खाइबा न खाइची से जाय ताको छाड़िबेनी। किछि समय परे टिक्की चढ़े आसी रानु घरे पहुँच जाए। हेले रानु तो भारी चलाक से सानु काऊ को लुचेई दिए। रानु भौणी कौन सानु भाई आंब नेकि आसिलेनी मो चिक्की भारी जिद्दी करुचे आंब खाइबा को। ना टिक्की सानु तो एजाए घर को फेरी नांती मते तो भारी चिंता लगुची। तुम्हें व्यस्त हुवनी रानु भौणी सानु भाई निश्चय आसी जिबे मु बे एठी तुम सह तांकर अपेक्षा करुची। टिक्की मते भारी भूको लागलानी आ तू तो जानिचु मो द्वारा ए खाइबा खोजिबा काम जम्मा भी हेउनी। मो पाए तो सानु ही खाइबा खोजिके आणंती हेले से तो एपर्यंत फेरी नांती मते खाइबा आने किए दब। टिक्की तू जदि मो पाए किछि दाना नै आसुंतु ताले भलो होंता। हो ठीक अछि मु आज पलो तैयारी करिछि मु तुम पाए किछि पलो नै आसुछि। तू पलो तैयारी करुछु टिक्की जदि हब मो पाए टिके अधिक पलो नै आसिबु त मते पलो खाइबा को भारी भलो लागे। टिक्की चढ़े ता घर को फेरी आसे। देखलु ना चिक्की तो जिद्दी पाई मते से काउ मानकर नखरा उठेबा को पड़ुचे। तीन दिन हे गलानी मु तांको खाइबा देउची आ मते भी लागुनी कि से तो पाई आंब नेकि आसिबे मते तो लागुची से बहाना करुचंती। मा ए कथा मु जानी गलेनी मु जते बे नदी को पानी पीबा को जाईथिली सानु अंकल गोटे गछ डाल लुचिक बसी थे सीए मामू घर को जमा भी जाए नहांते। माँ मत आंब खाइबार ना तुम्हें चिंता करनी आउ से दुष्ट मान को आम खाइबा भी दिनी। माँ ये तो बहुत खुशी कथा चिक्की तो बुझीगला तुम्हें से मानू भल से बुद्धि शिखाओ। मिकी तु रोसे घर से हलदिया डबाटा आने तो मुताको आज भल से बुद्धि सिकेबी। तापर टिक्की चढ़े से डबारे औषध पलोरी मिसई दिए आउ सानु काउ घरे दे आसे। से माने खुशी हो पलो को खाई दिंती। देखुच सानु आमको केमिति मागणा मागणारे केते केते भल जिनिस खाइबा को मिलुची तुम्हें आहुरी देख मु आगो को कौन करुची। से कथा तो ठीक रानु हेले मो देह हात एते जोरे कुंडे काई होउची। अरे सत्य त मो देह हात भी कुंडे होउची लागुची ए खाइबारे बोधे के कोन मिसे देईची। मते लागुची टिक्की बोधे सब सत जानी गला आउ सी हम खाइबारे निश्चय किछि मिसे देईची। मो देह हात त भारी कुंडे होउची मु जाउची नई रे गाधे की आसीबी नहले ए कुंडिया जम्मा भी छाड़िबोनी। ना ना सानु ए शीतरे मु जम्मा भी नई को गाधेबा को जिबेनी। तुम्हें आसो कि न आसो मु तो जाउची। सानु का कुंडिया रु बंचिबा को ए शीतरे नई को गाधेबा को चली जाए आ रानु का भी को रहे सी भी त पछे पछे चली जाए। रुह सानु मो पई तो टिके रुह
तुम्हें आगरे आगरे कहीं चली जाऊच सानुका आगे आगे आउ रानुता पछे पछे ए हाड़ भंगा शीतरे से दुई जन जाए नई रे बुड़ी पड़ती एमती देखे टिकी आउ ता झी भारी हसंती।